हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, उन सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है, क्या अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन जरूरी है। प्रियो, ये क्वेश्चन मेरे पास आया था, इसलिए आज इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि क्या अपने ट्विन फ्लेम से रीयूनियन जरूरी है, तो यहाँ पर विचार करने वाली बात है कि आप 3D वाले रीयूनियन की बात कर रहे हैं या 5D वाले। क्योंकि 3D में अब इस फिजिकल प्लेन पर अपने ट्विन से रीयूनियन पाने के लिए आपको 5D वाले रीयूनियन को पाना होगा। क्योंकि जब तक आपका इनर DMDF बैलेंस नहीं होगा, आपकी शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, तब तक आपके ट्विन से 3D में आपका रीयूनियन नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले आपको खुद पर काम करना होगा, इनर वर्क, मेडिटेशन, ध्यान आदि के द्वारा अपने शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस करना होगा। तभी ऐसा समय आएगा जब डिवाइन आपके ट्विन से आपको रीयूनियन में लाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन जरूरी है। यस, रीयूनियन जरूरी है, क्योंकि यदि रीयूनियन होगा ही नहीं तो आपकी जर्नी पूरी ही नहीं होगी, और यदि जर्नी पूरी नहीं हुई तो आपको एक बार फिर से इस धरती पर आना पड़ेगा अपनी इस जर्नी को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। जब भी डिवाइन ट्विन्स को इस धरती पर भेजते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि ट्विन्स एक निश्चित उद्देश्य व पर्पस के लिए भेजे जाते हैं, और जब वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं वही उनके लिए मोक्ष होता है। अब ये जानिए कि रीयूनियन किस प्रकार होता है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि रीयूनियन 3 प्रकार के होते हैं। पहला मिनी रीयूनियन, जिसमें आपका ट्विन ऑन ऑफ सिचुएशन में आता है और आपको ट्रिगर करके जाता है। इसका अर्थ है कि वो अवेकन नहीं है और आपका भी स्वयं पर कार्य पूरा नहीं हुआ, तो जब भी वो आएगा वो ऑन ऑफ सिचुएशन में आएगा और आपको ट्रिगर करके जाएगा। दूसरा है परमानेंटली रीयूनियन, इसका अर्थ है इस 3D प्लेनेट पर आपके ट्विन से हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहना या उसके साथ शादी, और ये तभी होगा जब आपने डिवाइन से सोल कॉन्ट्रैक्ट कराया है, तभी आपको परमानेंटली रीयूनियन मिलेगा। तीसरा है हारमोनियस रीयूनियन, इसका अर्थ है पीस, हारमोनी और बैलेंस। जब आप अपने ट्विन से हारमोनियस रीयूनियन में आते हैं तो आपके बीच कोई ब्लॉकेजेस नहीं होते, कोई गिले शिकवे नहीं होते, कोई शिकायतें नहीं होती। आप एक प्रेमपूर्ण स्थिति में होते हैं, अनकंडीशनिंग लव में होते हैं। चाहे आप एक दूसरे के साथ न भी रहें तो भी आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आप एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं। इस प्रकार आपका ये रीयूनियन हारमोनियस रीयूनियन कहलाता है। तो इस प्रकार आपके ट्विन से रीयूनियन का अर्थ है 5D में आपका रीयूनियन। क्योंकि जब तक 5D में आपका रीयूनियन नहीं होगा, तब तक 3D प्लेनेट पर भी आपका रीयूनियन नहीं होता। उसी प्रकार जब आप 5D में एक हो जाते हैं तो वहीं पर आपको आपके उद्देश्य का पता चलता है और आप अपने सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं। आपका अधूरापन मिट जाता है और आप कंप्लीट हो जाते हैं, और जब आप कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी सोल अपनी सोल के उस आधे हिस्से को जो फिजिकल फॉर्म में बाहर दिखाई देता है आपके ट्विन के रूप में, उसे नहीं ढूंढती। फिर वो अपने सोल पर्पस पर ध्यान देता है और अपना मिशन पूरा करता है। यही इस ट्विन फ्लेम जर्नी की सच्चाई है, और अपने उद्देश्य से जुड़ना और अपने उद्देश्य पर कार्य करना ही मोक्ष है और अपनी जर्नी को पूरा करना है। तो प्रियो, आज हमने इस विषय पर बात की, होप सो आपको हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।